नमस्कार दोस्तों डिजिटल मास्टर के एक नए लेक्चर में आपका बहुत 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 स्वागत है दोस्तों आज के लेक्चर में हम सीखेंगे होल नंबर्स क्या होता है इससे पहले हमने नेचुरल नंबर्स देखा रैशनल नंबर्स देखा इ रैशनल इमेजनरी कॉम्प्लेक्स रियल सारे क्लासिफिकेशन हो गए अब होल नंबर्स बचा है बहुत छोटी और बहुत सिंपल बहुत आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन उतनी ही काम की कॉन्सेप्ट है तो इग्नोर मत करना अच्छे से ध्यान से देखना अगर आसपास में कोई शोर मचा रहा है उनको बोलो भगो यहां से हमको पढ़ना है पढ़ के आगे बढ़ना है और साथ में इस बात का भी ख्याल रखो कि आपके पास कोई नोटबुक और पेन हो ताकि जब मैं यहां पर कुछ समझा रहा हूं आप वहां पर नोट्स बना सकें ठीक है चलो देखते हैं होल नंबर्स क्या है सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं उसके बाद समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशन बहुत सिंपल है देखो दोस्तों ये रही हमारी होल नंबर्स की डेफिनेशन बहुत बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मैंने जो एक आसान सी डेफिनेशन है वो आपके लिए यहां पर लिख दी है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट डब्ल्यू सेट्स में हमने पढ़ा था सेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल लेटर से हमने बोला है कि हमारे पास एक सेट है सेट का नाम है डब्ल्यू उस सेट के सारे मेंबर्स जो है वो होल नंबर्स हैं उस सेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये आगे जाता है इंफिनिटी तक होल नंबर सबसे जो छोटा है वो जीरो है उसके बाद वाला होल नंबर आता है वन उसके बाद वाला आता है टू उसके बाद आता है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये ऐसे वहाँ तक बढ़ेगा जहाँ तक गिनती कर ही नहीं सकते हम जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जिस्ट करता है लेकिन हम उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते हम उसको लिख नहीं सकते हम उस पर जाके बैठ नहीं सकते कि हाँ भाई ये इन्फिनिटी है क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही ऐसा है कि अनंत जिसको लिमिट नहीं है मर्यादा नहीं है सीमा नहीं है उसको इंफिनिटी कहते हैं तो ये जो होल नंबर है जीरो से स्टार्ट होते हैं एक एक की यूनिट से ये बढ़ते जाते हैं जीरो के बाद वन आता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन पूरा इंफिनिटी तक ठीक है अब अगर आपने यहां पर अच्छे से नोटिस किया होगा कि जीरो को अगर हमने छोड़ दिया तो आगे यहां से ये वाले जो सारे हैं ये तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या मैं होल नंबर्स को ऐसे लिख सकता हूं होल नंबर्स इक्वल टू जीरो प्लस नैचुरल नंबर्स। हम सबको पता है कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती किसी भी अल्जेबरिक कैलकुलेशन में अगर प्लस माइनस हो रहा है तो लेकिन यहां पर जो ये इक्वेशन मैंने लिखा है इस इक्वेशन में होल नंबर्स इज इक्वल टू जीरो प्लस नंबर्स इसका मतलब है नंबर्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इंफिनिटी तक प्लस जीरो भी आता है तो यहां पर जीरो मतलब जीरो की वैल्यू नहीं है जीरो मतलब एक डिजिट है जीरो मतलब एक नंबर है जो खुद में ही एक पूर्ण नंबर है ठीक है तो होल नंबर्स इज इक्वल टू जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स इसका ये मतलब नहीं होता कि जीरो की को, कोई वैल्यू नहीं तो हटाओ क्योंकि जीरो यहां पर हमने वैल्यू के लिए नहीं लगाया है जीरो का मतलब है कि होल नंबर्स के सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आर इक्वल टू नेचुरल नंबर्स के सेट के सारे एलिमेंट्स प्लस जीरो जीरो एक

जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स इनको अगर हम पकड़ के बोले तो वो होते हैं होल नंबर्स। अगर हम नंबर लाइन पर देखें ये रही हमारी नंबर लाइन यहां पर कहीं मिड में जीरो होगा फिर वन आएगा फिर टू आएगा फिर थ्री आएगा फिर चार आएगा फिर पांच आएगा तो यहां पर जो इंटीजर्स है ठीक है नंबर लाइन पर ध्यान से देखो यहां पर इंटीजर्स की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ यहां पर एक और दो के बीच में यहां पर 1.5 आता है वो हमारे होल नंबर्स का पार्ट नहीं है यहां पर फोर और फाइव के बीच में यहां पर कहीं तो फोर पॉइंट फाइव आ जाएगा वो हमारा होल नंबर नहीं है हमारे होल नंबर सिर्फ इंटीजर्स होते हैं इंटीजर्स मतलब जब हम उनको पी डिवाइडेड बाई क्यू इस फॉर्म में लिखें तो P और Q दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए बहुत स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था सर 20 डिवाइड बाई टेन क्या ये फ्रैक्शन है जब भी हम किसी नंबर को जज करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन में जिसमें रियल नंबर्स डिवाइड होते हैं रैशनल इ रैशनल डिवाइड होते हैं इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स इंटीजर्स डिवाइड होते हैं फिर होल नंबर नेचुरल नंबर जीरो इन सब में जब भी हम उनको जज करते हैं कि ये किस कैटेगरी का नंबर है तो सबसे पहले हर रैशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्मेट में आपको लिखना है और पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखते टाइम आपको ये देखना है कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो यहाँ पर 10 को मैं 2 इंटू फाइव लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं 20 को 4 इंटू फाइव लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं 4 को और 2 इंटू टू इंटू फाइव लिख सकता हूँ तो टू इंटू फाइव टू इंटू फाइव कट गया यहाँ पर टू यहाँ पर वन तो ट्वेंटी डिट बाई टेन इज इक्वल टू टू वन अब ये आ गया वो वाला फ्रैक्शन जिससे हम जज कर सकते हैं अब इसका डिनोमिनेटर वन है तो पी बाई क्यू फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के बाद हर वो नंबर जिसका डिनोमिनेटर वन आता है वो होता है इंटीजर भैया ठीक है तो ये हमारे सारे इंटीजर्स जो नंबर लाइन पर आते हैं जिसमें जीरो को भी हम पकड़ेंगे वो सारे होते हैं होल नंबर्स बहुत आसान सी कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन एक बार इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है जीरो नंबर्स को नेचुरली हम कहीं भी W इस लेटर से डिनोट करते हैं अगर आपको अलग से बता नहीं गया है कि W क्या सेट है तो समझ लीजिएगा W सेट है होल नंबर्स का सेट अगर इसको छोड़ के कोई और डाउट है आपके पास जो होल नंबर से रिलेटेड है आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं इस वीडियो को देखो समझ जाएगा अगर फिर भी समझ नहीं आया तो दूसरी बार देखो पहली बार हो सकता है बहुत सारी दुनिया में क्या क्या बताऊँ परेशानियां हैं जो पढ़ने में आपके आपत्ति खड़ा कर सकते हैं तो उन परेशानियों को हटा दो अगर वैसे भी नहीं हुआ तो दूसरी बार देखो वीडियो को दूसरी बार देखने के बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो हजारों लोग कमेंट करते हैं अपने YouTube चैनल के बहुत सारे लेक्चर्स पे मैंने हर कमेंट को रिप्लाई दिया है हाँ कुछ लोगों ने कुछ फालतू कमेंट लिखे जैसे मतलब रिलीजियस वगैरह उनको रिप्लाई नहीं देता मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को जो जेन्यूनली अपने प्रॉब्लम बताते हैं या फिर ये बताते हैं कि सर आपने अच्छा पढ़ाया थैंक यू सबको रिप्लाई देता हूं आपको भी रिप्लाई दे दूंगा वहां पर कॉमेंट करके पूछो अगर कोई डाउट है तो अगर डाउट नहीं है या फिर मान लीजिए कोई बड़ा डाउट है जल्दी से पूछना है तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम यूट्यूब कहीं पर भी, भी पूछ सकते हो मैसेज करके सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ठीक है तो होल नंबर्स के लेक्चर में बस इतना ही मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में जहां पर हम सीखेंगे कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग कुछ मस्त मैथमेटिक्स में ठीक है तब तक आप हंसते रहो खेलते रहो और हमेशा की तरह हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहो